बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर आई विल एक्सप्लेन कम्प्रीहेंशन और क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 1 टेक्स्ट बुक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब एन इवेंट ऑफ जस्टिस फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फ्रॉम टेक्स्ट। इस सबक में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से इंसाफ का एक वाकया बयान करें। स्टूडेंट्स, जो इस लेसन में आपने पढ़ा हो, इस लेसन में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मुतल्लिक इंसाफ के कई वाकयात पढ़े हैं, और अब हम ये वाकया एज आंसर के तौर पे इस क्वेश्चन के लिए डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ सरमन, एक खुतबे के दौरान, एन अंसारी सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब बनू थालबा स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स देम एंड सेड। एक अंसारी कबीला बनू थालबा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों को देखकर खड़े हो गए और उनकी तरफ इशारा करके कहा, ओह मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, देयर एंसेस्टर किल्ड अ मेम्बर ऑफ आवर फैमिली, इनके आबा व अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को कत्ल किया था। वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज ऑफ दैट। हम आपसे अपील दरख्वास्त, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उनमें से एक को इसके बदले में फांसी दी जाए। एक्सचेंज मीन बदले। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रिप्लाइड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता, यानी कि हर शख्स अपने आमाल का खुद ही जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रेफर्ड टू एज अ पीस ऑफ फायर बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने किस चीज को आग के टुकड़े से तशबीह दी है। Gains made by deceiving a judge to get a positive decision is referred to as a piece of fire by the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Judge ko dhoka dekhkar apne haq mein faisla hasil karne ko aap sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne aag ke tukde se tashbih di hai. Question number 3, why was an inquiry initiated by the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam while resolving the land dispute? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने तफ्तीश का आगाज़ क्यों शुरू किया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ज़मीन के झगड़े के तनाज़े को हल करने लगे। इनिशिएटेड मीन आगाज़ करना, इंक्वायरी तफ्तीश, रिजॉल्विंग हल करना, डिस्प्यूट तनाज़िया या झगड़ा, लैंड ज़मीन। एन इंक्वायरी वॉज इनिशिएटेड बाय द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम व्हाइल रिजॉल्विंग द लैंड डिस्प्यूट बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू एविडेंस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने तफ्तीश का आगाज़ शुरू किया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ज़मीन के झगड़े के तनाज़े को हल करने लगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम चाहते थे कि जो तनाज़ा है वो सबूत के मुताबिक हल किया जा सके। एविडेंस मीन सबूत। हाउ डज़ द होली कुरान एम्फेसाइज जस्टिस, कुरान करीम इंसाफ पर क्यों जोर देता है। द होली कुरान इंस्ट्रक्ट्स द मुस्लिम्स टू मेंटेन जस्टिस इवन व्हेन डीलिंग विद देयर एनिमीज़। कुरान करीम जोर देता है, हिदायत करता है, इंस्ट्रक्ट्स मीन हिदायत देना। कुरान करीम हिदायत देता है मुसलमानों को टू मेंटेन जस्टिस इवन व्हेन डीलिंग विद देयर एनिमीज। कुरान करीम ने मुसलमानों को हिदायत की है कि अपने दुश्मन तक के मामले में इंसाफ कायम करें। मेंटेन मीन कायम करना। ओ यू हु बिलीव, ए लोगों जो ईमान रखते हैं, बी मेंटेनर्स ऑफ जस्टिस एंड बेयरर ऑफ विटनेस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, खड़े हो जाया करो अल्लाह के वास्ते गवाही देने को इंसाफ की। लेट नॉट हेटेड ऑफ अ पीपल इनसाइड यू टू एक्ट अनजस्टली, और किसी कौम की दुश्मनी के बायस इंसाफ को हरगिज ना छोड़ो। बी जस्ट, इंसाफ करो, देयर इज़ नियर टू राइटियसनेस, यही बात तकवा के नज़दीक है। एंड फेयर अल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, श्योरली यकीनन अल्लाह इज़ अवेयर ऑफ व्हाट यू डू, अल्लाह को खूब खबर है जो तुम करते हो।
अवेयर मीन बाखबर होना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द लेसन, इस लेसन का मरकजी ख्याल क्या है, आपने इस लेसन से क्या सीखा। द मेन आइडिया ऑफ द लेसन इज़ दैट वी शुड बी जस्ट विद एवरीवन इन लाइफ। सबक का मरकजी ख्याल ये है, इस सबक से हमें क्या है, इस लेसन से हमें ये सबक मिलता है कि हमें ज़िंदगी में हर किसी के साथ इंसाफ का सलूक करना चाहिए। वी शुड ट्रीट द पीपल विद जस्टिस एंड ऑन मेरिट, हमें तमाम लोगों के साथ इंसाफ का सलूक करना चाहिए और फैसला अहलियत की बिना पर करना चाहिए। मेरिट मीन अहलियत। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट रोल कैन जस्टिस प्ले इन आवर लाइव्स, इंसाफ या अदल हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करता है। जस्टिस कैन प्ले, इंसाफ अदा कर सकता है एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक अहम किरदार इन आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियों में। वी शुड ट्रीट द पीपल जस्टली, हमें लोगों के साथ इंसाफ का सलूक करना चाहिए। देयर विल बी पीस इन द सोसाइटी, माशरे में अमन कायम होगा। एंड द राइट ऑफ द पीपल विल नॉट बी वायलेटेड, और लोगों के जो हुकूक हैं वो पामाल नहीं होंगे। वायलेटेड यानी कि पामाल नहीं होंगे या उनको टेस, वायलेटेड पामाल होना या ठेस पहुँचाना। तो जब हम इंसाफ करेंगे तो इस तरीके से माशरे में अमन कायम होगा और लोगों के जो हुकूक है उनको ठेस नहीं पहुंचाया जा सकेगा और वो पामाल नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, देन लेट्स कम टू कॉपी प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल हाउ टू प्रिपेयर योर कॉपी पेज फॉर राइटिंग पर्पस, यू हैव लर्न्ड इन फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस। आई जस्ट रिमाइंड इट, in this page you can see I have drawn double margin line beneath the two dots of date on the left side of the copy page, and I have drawn single margin line beneath the ta of the tarikh on the right side of the copy page. This is the chapter index. Mention the page on which page you will write your work. Mention Islamic date, write the date, give the heading with blue marker, write the contents with pen. You will do this question answers in your copy. When you prepare your chapter index, then on the next page you will write question answers. Students, according to this way you will work in your copy. Write answer the following question with blue marker. Write question number 1, give the number of question here with blue marker, then write the question and then write the answer here and start to write your answer here with pen. After finishing your answer, draw ending line. This is your homework. Write question answers in neat copy. Stay safe.